सावधान रखते हुए ऑटो वालों से संदेश की गई और आगे किस तरह की गलतियां करेंगे तो आगे कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। भाई जैसे हमारे एसपी साहब ने बताया था भाई, जो ऑटो टेम्पो वाले जो भी चलते थे इनको प्रॉपर तरीके से चलवाने के लिए, इनकी प्रॉपर आइडेंटिटी फिक्स करने के लिए, तो ये इसलिए मीटिंग बुलाई गई थी ताकि एक बार जो प्रॉपर यूनिफॉर्म्स की जो भी होती है वो सारे पहने, अपने नेम प्लेट अपना कार्ड अपने साथ रखें ताकि कल को कोई घटना दुर्घटना हो तो ग्राहक उसको कम से आइडेंटिटी उसकी सेट हो सके। दूसरा, गाड़ी के अंदर की तरफ गाड़ी का नंबर प्लस मालिक का मोबाइल नंबर लिखना जरूरी है। कल को कोई घटना हो तो कम से कम ग्राहक उसके अंदर उसका फोटो कैप्चर कर सकता है, तो बाद में उसको ट्रेस किया जा सकता है। उसके अलावा बाकी जो ट्रैफिक के अन्य नियम होते हैं, निर्धारित तरह पार्किंग करना, ज़्यादा सवारी नहीं लेना, रूट परमिट के मुताबिक चलना, परमिट के दूसरों का उल्लंघन नहीं होना, वन वे की पालना करना, बाकी जो ट्रैफिक के जनरल नियम है उसके बारे में अवगत कराया जाए तो ऑटो वालों ने अपनी कुछ समस्याएँ बताई है। जैसे कि कई लोग परमिट का उल्लंघन करते हैं, कई विक्रम टेम्पो के अंदर नशेड़ी टाइप के लोग बैठ जाते हैं, कई ड्राइवर है जो स्ट्रेचर को भी या जेब कपड़ों को उसका साथ रखते हो तो हॉस्पिटल के यहाँ जगह जगह जेब कटने की घटना भी होती है। प्लस कई विक्रम टेम्पो वाले साइड सीनिंग भी करवा रहे हैं, उनको साइड सीन का अधिकार नहीं है, राइट। तो इस तरह की जैसे कई हाथीपोल के अंदर स्टैंड है, स्टैंड पर पार्किंग वाले ने ज़्यादा जगह घेर रखी तो उनको जगह नहीं मिल रही, कई जगह ठेले वालों ने जगह घेर रखी ऑटो वालों की, कई जगह ऑटो स्टैंड के बोर्ड नहीं है, कई इस तरह की समस्या आई है। ये सज्जनगढ़ की समस्या है कि ऑटो वाले को कई ऑटो वाले और खड़े जो असामाजिक तत्व नशा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो इस तरह की जो भी समस्या ने 10-15 बताई है ऑटो वाले विक्रम वालों ने, तो उन समस्या को लिख लिया हमने, बाकायदा एक एक करके उस समस्याओं का समाधान हम करेंगे। ट्रैफिक पुलिस उनके खिलाफ जो भी इस तरह की लगातार चेकिंग जारी रहेगी, और जो भी उल्लंघन करता है जिसके खिलाफ इस तरह का मैटर हमको जांच में मिलता है तो उसके खिलाफ जो भी एमजी एक्ट पर कार्रवाई होती है वो करेंगे। बाकी अगर और चीज़ मिलेगी तो थाने वाले को हैंडओवर करेंगे और थाने वालों से भी कार्रवाई के लिए समय में बताया जाएगा। सर जिस तरह की समस्या है कि रेपिडो वाले हैं जो बाहरी राज्य के गाड़ियों के नंबर पर चला रहे हैं, तो सर इस तरह कोई कार्रवाई होगी अगर इनको रात मिल सके? रूल ये है कि कोई भी रेपिडो पर चलाएगा सबसे पहले आरटीओ को उसका टैक्सी में कन्वर्ट कराएगा, जो अपने प्राइवेट होती है उसमें आप कॉमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते, तो ऑटोमेटिक आरसी का उल्लंघन हो गया, तो आरसी का उल्लंघन उसका जब किया जाएगा यदि उसमें सवारी मिल गई तो टैक्सी परमिट होकर जब ही चलाएगा, सीधी सी बात है, चाहे कार हो चाहे टू व्हीलर हो, तो ऐसा आपको क्यों मिलता है कि जो अपने पर्सनल जो प्राइवेट उसके अंदर आरसी है उसका और कॉमर्शियल हाँ बाइक हो कोई भी हो, ज़्यादातर बाइक वाले करते हैं। जी जी मैं बताऊँ, मेरी जानकारी में आई जिसने उन्होंने बताया तो अल्टीमेटली आराम से उसके अंदर क्या है उनको खर्चा कोई लगा नहीं, तो 200-500 आराम से डेली कमा रहे हो, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, आरटीओ साहब को भी समय में बताया जाएगा। अवैध तरीके से वसूली कर रहे हैं जो ओला उबर वाले कुछ ओला उबर वाले हैं जो अवैध तरीके से वसूली कर रहे हैं। देखो ओला उबर में देखो जैसे आपको पता है कई दिनों से पत्रिका में भी आ रहा था, मीटिंग चल रही थी, कलेक्टर साहब ने मीटिंग ली, हमने भी वहाँ पे डबो के एयरपोर्ट पे जाके वहाँ कार्रवाई की, गाड़ी भी जब्त की। इसका रूल ये है, मैं बताऊँ, आरटीओ साहब ने बुलाई थी हमारे ऑफिस के अंदर, उसमें कमेटी भी नहीं है, मेरी आरटीओ साहब और हमारे सीए साहब सारे पर्यटन वाले भी उसमें साथ हैं, कि उसमें एक जो पॉलिसी होती है उनकी एग्रीगेटर पॉलिसी, जो ओला उबर को जो परमिट मिलता है ना इसका, ये इस तरह की सेवा का वो जयपुर से मिलता है, तो उसमें यदि वो ओवर चार्ज कर रहा है तो उसके अंदर बेसिकली उसका लाइसेंस टर्मिनेट किया जा सकता है, और बाकी भी परमिट के टैक्सी परमिट जारी तो यही करता है आरटीओ साहब, यदि ऐसी जानकारी आ गई रिपोर्ट में आ गई तो उसका टैक्सी परमिट कैंसिल होगा, परमिट उसका निरस्त हो जाएगा, निरस्त होते फिर वो काम नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए मैकेनिज्म अपन बना रहे हैं, कैसा मैकेनिज्म बने ताकि आदमी शिकायत कहाँ कर, अभी तो ओला उबर के ऐप पे जाता है, ऐप वाले कई बार ध्यान देते नहीं देते उस पर, तो ओला उबर के उनके जो मेन जो बेंगलुरु में बैठते हैं उनको भी हमने लेटर भी लिखा, उनसे बात भी करी थी उस दिन, तो ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाएगा यदि ऐसी उसने ऐसी मतलब उसने कृत्य किया, ओ आर चार्ज किया, ये भी किया, उसका बिल्कुल परमिट उसका कैंसिल होगा।